हेलो बच्चों, हम 9th रिटेल का 4th यूनिट कर रहे हैं कस्टमर सर्विस। आज हम उसका टॉपिक कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस, कि कस्टमर सर्विस के, अच्छी कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और एक जो रिटेलर है वो कस्टमर को कैसे अच्छी सेवाएं दे सकता है और उससे कैसे अच्छे रिलेशन बना सकता है, कैसे अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है। तो एक कस्टमर को, जो एक रिटेलर है, वो कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देने के लिए या उससे अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए। पहला है कस्टमर के साथ अच्छे से बात करना। जो भी कस्टमर रिटेलर के स्टोर में आता है उस कस्टमर के साथ अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, अच्छे से मुस्कुराकर उससे बात करनी चाहिए, कस्टमर का मुस्कुराकर स्वागत करना। जैसे ही एक कस्टमर स्टोर में आता है तो एक जो रिटेलर है उसे मुस्कुराकर स्माइल करते हुए कस्टमर का वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। नेक्स्ट, कस्टमर की तरफ देखकर बात करना। अगर कस्टमर रिटेलर से कुछ बात कर रहा है तो रिटेलर को कस्टमर की तरफ देखकर उससे बात करनी चाहिए, कस्टमर की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। नेक्स्ट, कस्टमर की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यान से सुनना कि कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं और वो क्या खरीदने आया है। नेक्स्ट, कस्टमर की शिकायतों को सुनना व उन्हें दूर करने की कोशिश करना। अगर कस्टमर को कुछ शिकायत है, किसी भी वस्तु से समस्या है, किसी व्यवहार से समस्या है, तो कस्टमर की शिकायतों को ध्यान से सुनना और उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट, मिलजुल कर काम करना। स्टोर में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी मिलजुल कर काम करेंगे तभी वो एक बेहतर टीम वर्क कर पाएंगे, तभी वो बेहतर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, कस्टमर को बेहतर सेवाएं देने के लिए नए तथा अलग तरीके अपनाना। कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देने के लिए, अच्छी सेवाएं देने के लिए नए नए तरीके, नए नए तरीकों का यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि कस्टमर संतुष्ट हो और हम उन्हें बेहतर सेवाएं दे सकें। नेक्स्ट है कस्टमर को वस्तुएं दिखाना व वस्तुओं के बारे में जानकारी देना। जो रिटेलर है वो कस्टमर को वस्तुएं दिखाता है और वस्तुओं के बारे में पूरी जानकारी देता है। नेक्स्ट, कस्टमर की ज़रूरतों को समझना। एक जो रिटेलर है वो कस्टमर से बात करके, कस्टमर से पूछकर कस्टमर की ज़रूरतें जानने की कोशिश करता है और उसकी ज़रूरतों को समझता है। नेक्स्ट, कस्टमर की शिकायतों का स्वागत करना। अगर कस्टमर को कुछ शिकायत है तो उससे परेशान नहीं होना, बल्कि कस्टमर की शिकायतें जो होती हैं वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती हैं, अवसर होती हैं, तो इसलिए हमें कस्टमर की शिकायतों का स्वागत करना। तो कस्टमर की शिकायतें हमारे लिए एक अवसर कैसे होती हैं कि अगर कस्टमर शिकायत लेकर आया है तो कम से कम हमारे पास एक चांस तो है कस्टमर को संतुष्ट करने का, लेकिन अगर कस्टमर शिकायत लेके नहीं आता तो वो सीधा हमसे खरीदना छोड़ देता और किसी दूसरे रिटेलर के पास चला जाता। तो इसीलिए अगर कस्टमर शिकायत लेके आया है तो हमारे पास एक मौका है, एक चांस है उसको अपने पास बनाए रखने का, उसको संतुष्ट करने का। नेक्स्ट, गलती होने पर माफ़ी मांगना। अगर रिटेलर से कोई गलती होती है तो उसे तुरंत कस्टमर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नेक्स्ट, जल्दबाजी नहीं करना। रिटेलर को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वस्तु बेचने के लिए, जल्दी जल्दी कस्टमर को बहुत अधिक जल्दी में वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, बहुत अधिक नहीं बोलना। रिटेलर को बहुत अधिक बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कस्टमर शॉप पे आए और रिटेलर लगातार बोलता जाए। बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको अधिक बोलने वाले लोग पसंद नहीं होते। नेक्स्ट, कस्टमर से गुस्सा या चिढ़कर बात नहीं करना। अगर कस्टमर कोई शिकायत लाता है, कोई बात पूछता है, प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, तो कस्टमर से अच्छे से बात करना, ना कि गुस्सा या चिढ़कर कस्टमर से बात करना। तो ये थे कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देने के कुछ एलिमेंट्स या कस्टमर के साथ अच्छे संबंध बनाने के तरीके। थैंक यू।